आज हम लोग नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। ठीक है, तो ये जो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी है, इसका हम कई बार इससे पहले मेंशन कर चुकी हूँ, मैं आपको लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। पीटीसी कमेटी, ऐसा मैं शॉर्ट में बोलती हूँ, वो पीटीसी कमेटी मतलब फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। उस जो लेसन है या जो भी चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, उसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट या रोल ऑफ पीटीसी कमेटी इन ड्रग सेफ्टी। ये जो क्वेश्चन है एडीआर में रोल ऑफ पीटीसी जो है पूछा जाता है, तो ये जो चैप्टर है ये सब देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन के साथ में। ठीक है, डेफिनेशन जो है क्या है, इट इज अ पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी इंक्लूडिंग कॉम्पोनेंट जिसमें फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टाफ ऑन मैटर्स ऑफ सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी। अब मैं इसको समझा के दे रही हूँ आपको। ठीक है, फार्मेसी थेरापेटिक कमिटी में जो मेंबर्स रहेंगे उसमें कौन कौन रहेगा, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टाफ। फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टाफ में कौन रहेंगे, मेडिकल स्टाफ फिजिशियन रहेंगे और नर्सेस रहेंगे। ये क्या करेंगे, पॉलिसी फ्रेम करेंगे और रेकमेंड करेंगे पर्टिकुलर ड्रग को जो हॉस्पिटल फॉर्मेली में है। अब हॉस्पिटल फॉर्मेली मतलब क्या, ये रिवाइज कंपाइलेशन एक बुक होती है जिसमें सारे मेडिसिन और ड्रग्स का डिटेल दिया रहता है, जो ड्रग वहाँ पर प्रिस्क्राइब होनी है हॉस्पिटल में, प्रिस्क्राइब की जानी है पेशेंट को। समझ में क्या, हॉस्पिटल फार्मेसी एक बुक है, रिवाइज कंपाइलेशन है जिसमें सारे लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जिसको प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, और कौन सी डिलीट हो गई है उसके बारे में भी जानकारी देगी। तो इस बुक को आधार रखते हुए, इस बुक को फॉलो करते हुए फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टाफ इन सब तीनों की मिलाकर एक कमेटी बनती है। उस कमेटी को हम कहते हैं पीटीसी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, जो हमेशा पॉलिसी फ्रेमिंग और वर्क पॉलिसी डिसाइड करते रहेंगे कि हॉस्पिटल में प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब करे वही ड्रग को जो हॉस्पिटल फॉर्मेली में है। ये उसका डेफिनेशन पार्ट है। नाउ अगला हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कंपोजिशन, मतलब इसमें कौन से मेंबर्स रहने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ पीटीसी में अभी आपके सामने बता रही हूँ। कंपोजिशन ऑफ पीटीसी मतलब इट कंटेन्स थ्री फिजिशियंस, ठीक है, थ्री फिजिशियन, थ्री फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ, ये हो गया। इन सबके साथ में वहां पर मेन रहने वाले हैं, फोर्थ नंबर में मैंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का हम पहले भी रोल देख चुके हैं जब हॉस्पिटल चैप्टर पढ़ रहे थे, वो होता है बॉस, हॉस्पिटल के डीन। ठीक है, डीन जो रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, इन सबको मिलाकर बनती है कमेटी। तो कंपोजिशन ऑफ पीटीसी में हमने क्या क्या देख लिया, इट कंटेन्स थ्री फिजिशियन, थ्री फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और फोर्थ नंबर पर रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो कि क्या है, डीन ऑफ द हॉस्पिटल। डीन मतलब जो सबसे मेन पोजिशन पे रहता है वो डीन एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ इसके बाद में जो फिजिशियन है वो क्या करेंगे, उनका काम क्या है, हमेशा फिजिशियन जो है एक्ट एज अ चेयरमैन, जो चेयरमैन की पोस्ट पर रहने वाले फिजिशियन। ठीक है, हमने थ्री फिजिशियन देखे थे ना, उसमें से एक फिजिशियन जो सीनियर रहेंगे वो चेयरमैन रहेंगे। उनका काम क्या करना है, कंडक्ट करना है सिक्स मीटिंग इन अ ईयर, एक साल में छह मीटिंग कंडक्ट करना है। साथ में ही उनका अगला काम क्या, सिर्फ कंडक्ट सिक्स मीटिंग्स इन अ ईयर, और साथ में ही प्रिपेयर एजेंडा। अभी मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के सदस्यों को बुलाया गया, मेंबर्स को बुलाया गया, इन्वाइट किया गया है, तो वहां पर कुछ डिस्कशन भी रहेगा, तो एजेंडा प्रिपेयर करेंगे या टॉपिक प्रिपेयर करेंगे फॉर दी मीटिंग्स। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग बुक्स मीटिंग के नोट करेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब उस मीटिंग में कौन से स्पेशल पॉइंट्स और कौन से मुद्दों पे बात की गई, ये डिस्कस करेंगे। साथ में ही अब ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है इसको फॉरवर्ड करेंगे किसको, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। जो भी वहां पर डिसीजन लिए गए हैं फिजिशियन उसको नोट करेंगे, और नोट करने के लिए वो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, और उसको पहुंचाने का काम, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम वो किससे करवाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर से, जो कि बॉस है, डीन। तो ये हमने देख लिया कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। हमने डेफिनेशन देख ली कि पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी रहती है ये, जिसमें मेंबर्स रहते हैं जो डिस्कस करते हैं अबाउट द सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, वो डेफिनेशन का पार्ट था। अभी हम लोगों ने देख लिया कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन हमने देख लिया कितने मेंबर्स रहते हैं, क्या उनके काम रहते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया। तीन नंबर के लिए क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड राइट द कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, इतना आपको लिखना है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं
फंक्शंस ऑफ पीटीसी कमेटी, जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है, जो मेंबरशिप कमेटी हमने बनाई थी, इनके फंक्शंस क्या है, क्या क्या है फंक्शंस परफॉर्म करने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन नंबर के लिए आता है, आठ पॉइंट है, कोई भी छह पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ में। पहला है वो क्या करते हैं, एडवाइस टू मेडिकल स्टाफ अबाउट सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग। ठीक है, मेडिकल स्टाफ को एडवाइस करना है कि आप सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग करो। सेफ मतलब जहां जहां उसका डोजिंग वगैरह पे ध्यान रखो, रैशनल मतलब जितना जरूरी है उतना ही ड्रग प्रिस्क्राइब करो, ये हो गया सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग, इसके बारे में एडवाइस करना। सेकंड है एस्टैब्लिश डेवलप सुटेबल एजुकेशनल सिस्टम टू इम्प्रूव प्रोफेशनलाइज स्टाफ। अगर वहां पर स्टाफ के लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, उनको और एजुकेट कर सकते हैं, तो वो सिस्टम भी उन्होंने लाना चाहिए। ठीक है, एस्टैब्लिश एंड डेवलप सुटेबल एजुकेशन सिस्टम, न्यू टेक्निक्स न्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब वो अगर ला रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करनी है और अपने स्टाफ को प्रोफेशनलाइज करने के लिए सतत काम करना है, कंटिन्यू उसके लिए काम करते रहना है। उसके बाद में है टू डेवलप एंड कंपाइल फॉर्मरी ऑफ ड्रग एंड मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसको समझ लेंगे क्या लिखा है, टू डेवलप एंड कंपाइल, जो भी हॉस्पिटल की फॉर्मरी आ रही है, रिवाइज हो रही है हर साल, उसमें नए ड्रग समझ लो एड हो रहे हैं, कुछ ड्रग ऐसा हो रहा है कि डिलीट हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें कंपाइल फॉर्म में हॉस्पिटल फॉर्मरी में आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन जो रहेंगे उसमें वो चीजें रिपीट हो सकती है, डुप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मिनिमाइज करना है। ठीक है, नाउ उसके बाद में फोर्थ नंबर पे स्टडी प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। उनको स्टडी करते रहना है, उनको उसके ऊपर मतलब नजर रखनी है कंटिन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन से प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं। ठीक है, आपने हॉस्पिटल फॉर्मली बना दी, उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया, लेकिन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन से प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, इसका भी उनको स्टडी करते रहना चाहिए, ये उनका फंक्शन है। उसके बाद में रिव्यू एडिया, अब पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एडमिनिस्टर हो गया है, पेशेंट को कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं एंड कौन से ड्रग इंटरैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसको भी रिव्यू करना, उसका भी डाटा मेंटेन करना इस कमेटी का काम है। ठीक है, फंक्शन है। नाउ सिक्स नंबर पे जो ये पीटीसी है, इनिशिएट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है स्टडीज ऑन ड्रग, न्यू ड्रग के ऊपर स्टडी करना एंड उनके रिव्यू जो है वो कलेक्ट करना, इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनिशिएट और प्रमोट न्यू ड्रग डिस्कवरी, नए प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं हॉस्पिटल में। नाउ सेवन नंबर पे है, दे रिकमेंड्स अबाउट दी ड्रग्स इन पेशेंट केयर एरिया। नए ड्रग्स है, जैसे कोरोना है, उसमें पता चल रहा है कि ये भी ड्रग काम आ सकती है, ये भी ड्रग काम आ सकती है, तो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, प्रॉपर डिसीजन के साथ में रेकमेंडेशन किया जा सकता है ड्रग्स का इन पेशेंट केयर एरिया, मतलब हॉस्पिटल में। ठीक है, नाउ एट नंबर पे है, एडवाइस फार्मेसी टू इम्प्लीमेंट दी इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर। कंटिन्यू उनको एडवाइस करते रहना है फार्मेसी को, जो हॉस्पिटल फॉर्मेली में डिसाइड हो गया है वही ड्रग आप बराबर से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उसके ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो माल प्रैक्टिस बढ़ सकती है, हेरा फेरी बढ़ सकती है, मेडिसिन का मिसयूज हो सकता है, वो भी उनके फंक्शन का ही पार्ट है। तो एक बार देख लेते क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, एडवाइस अबाउट दिस सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एस्टैब्लिश एंड डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए, टू डेवलप एंड कंपाइल फॉर्मुलरी, स्टडीज प्रॉब्लम अराइज हो रही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन से प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, फिर रिव्यू एडीआर कैसे रिव्यू करना है, ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहे, ये सब चेक करते रहना है, फिर इनिशिएट एंड प्रमोट न्यू ड्रग और उसके रिव्यू करना है, उसके बाद रिकमेंड अबाउट द ड्रग इन पेशेंट केयर एरियाज, और फिर एडवाइस फार्मेसी को इम्प्लीमेंट, जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो सारे डिसीजन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करना है डिस्ट्रीब्यूशन और अपना कंट्रोल रखना है वहां पर। ठीक है, ये हमने देख लिया फंक्शन, और शॉर्ट में आपको ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेन उनका फोकस कौन सी बातों पर रहेगा, दो बातों पर रहेगा, एक एडवाइजरी, दूसरा है एजुकेशनल। एडवाइजरी मतलब सलाह देना। ठीक है, सलाह किसको देने वाले हैं, किस बारे में देने वाले हैं, एडवाइस टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर सिलेक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग, कौन सी ड्रग सिलेक्ट करनी है और उनको यूज किया कैसे करते हैं,
इसके बारे में एडवाइजरी वाला उनका काम हो गया। और फिर है एजुकेशनल, एजुकेशनल मतलब क्या, कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एजुकेट दी मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ रिलेटेड टू सेफ यूज ऑफ ड्रग। ये जो प्रोग्राम है एजुकेशन प्रोग्राम लेकर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ जैसे नर्सेस है, वार्ड बॉय है, फार्मासिस्ट है, इन सबको कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए सेफ एंड रैशनल यूज के लिए प्रमोट करते रहना है, उनको ओरिएंट करते रहना है कि सेफ एंड रैशनल यूज जो ड्रग है वही हमारे पेशेंट केयर का मेन हिस्सा है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव में देख लिया एडवाइजरी और एजुकेशन। आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आज हम लोगों ने देखा पीटीसी चैप्टर की शुरुआत की है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसकी मैंने आपको कंपोजिशन बताई, अभी ऑब्जेक्टिव देखिए और फंक्शन देखिए। ठीक है, थैंक यू।